हेलो बच्चों, एक दिन का ब्रेक हो गया था तो संडे को मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया और मैं देख रही थी बच्चों के मैसेजेस को। लगातार हर बच्चा मैसेज यही कर रहा है, मैम कि नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो कब अपलोड होगा। तो पहली बात, अच्छी बात है कि आपका ये क्वेरी था कि मैम नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होगा, वो मैं आज लेकर के आ ही गई हूँ फाइनली। बट मुझे एक चीज बड़ी बुरी लगती है, वो ये कि बच्चा इतना डिपेंडेंट क्यों हो जाता है कि भाई कब वीडियो आएगा तभी हम बैठ के पढ़ेंगे। दिस इज नॉट अ गुड कैरेक्टर, ध्यान रखना। आप अपनी पढ़ाई करो, हाँ सामने वाला जब वीडियो बना दे तो हम एक बार ध्यान से सुन जरूर लेंगे ताकि हमारा हेल्प हो जाए, लेकिन पूरी तरह से ऐसे डिपेंडेंट मत हो जाया करो किसी पर भी, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। ये अच्छी बात नहीं होती है बेटा, बिकॉज अगर हमने मान लो एक दिन वीडियो नहीं भी डाला तो क्या आप अपना पढ़ाई करना बंद कर दोगे? आपका एग्जाम है 4 फरवरी को, ऑब्वियस सी बात है आपको पढ़ते रहना चाहिए। तो आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगी एक्सटेंशन एजुकेशन, और मैं आपको बता देती हूँ एक बात, ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनिएगा। इसीलिए कहती हूँ क्योंकि हो सकता है आपको करीबन करीबन आज के ही सेशन से ऑन एन एवरेज 8 से 10 सवाल शायद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेपर में देखने को मिल जाए। तो बेहतर है ना भाई हम 1-1.5 घंटे के लेक्चर को सुन लें। दिन भर 24 घंटे पढ़ करके, 22 घंटे पढ़ करके अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ से मुश्किल से 2 सवाल आ रहा है और 1.5 घंटे की क्लास से 8 से 10 सवाल फंस जाते हैं, तो ये 1.5 घंटे की क्लास करने में फायदा है। चलिए इसी चीज के साथ शुरुआत करेंगे इस सेशन की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन, पूरे के पूरे सिलेबस का सबसे इजी सब्जेक्ट होता है एक्सटेंशन एजुकेशन, बिकॉज एक्सटेंशन एजुकेशन फैक्ट पर बेस्ड है। यहां पर कोई कॉन्सेप्ट वाला सवाल कभी नहीं आ सकता। हाँ भाई, जो आपको याद है वहीं पर बेस्ड पूछा जाएगा और आपसे बन भी जाएगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। देखो मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं सिलेबस का एक एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर पाऊंगी, वो मैंने ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस किया है, लेकिन रिवीजन सीरीज में मैं ये जरूर कोशिश करूंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से सवाल अक्सर देखने को मिल सकते हैं उनको मैं फटाफट डिस्कस जरूर कर दूं। जैसे कि पिछली बार के पेपर का एनालिसिस कहता है लास्ट बार कम्युनिकेशन से कोई सवाल नहीं था, और कम्युनिकेशन आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई एम श्योर, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैंने बार बार कहा है, ऐसा नहीं कि हम हर बार सही ही होते हैं, बट मेरा प्रिडिक्शन है कि इस बार कम्युनिकेशन से सवाल आपको देखने को मिलना चाहिए। तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से, एंड दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी जिस टॉपिक की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ, दैट इज कम्युनिकेशन मॉडल। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं ये अपने हिसाब से अपने स्तर पर बताया। जैसे अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का जो मॉडल है कम्युनिकेशन का, ये सबसे पुराना मॉडल है और पुराने के अलावा ये सबसे सिंपलेस्ट मॉडल भी होता है कम्युनिकेशन का। दो क्वेश्चंस हो गए ऐसा इसीलिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं, और सबसे पहली चीज है स्पीकर। जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूं तो मैं क्या हो जाऊंगी? स्पीकर। कम्युनिकेशन में स्पीकर का होना तो जरूरी है, स्पीकर के पास होना चाहिए स्पीच। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूं आपको एक्सटेंशन एजुकेशन, तो मेरा स्पीच क्या हो गया? एक्सटेंशन एजुकेशन। और लास्ट, मेरी बातों को सुनने वाला ऑडियंस भी तो होना चाहिए, जो कि हो तुम लोग। अब ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू जीएल रे, विच इज अ स्टैंडर्ड बुक ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एरिस्टोटल के कम्युनिकेशन मॉडल में 3 ही एलिमेंट्स होते हैं। तो प्लीज ऑथेंटिक बुक्स पर जाइए, कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक का रेफरेंस आपका एग्जामिनेशन नहीं मानने वाला है। मैंने रेफरेंस भी दे दिया, आप चाहें तो उसे लिख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मॉडल पर आ जाते हैं फटाफट, एंड दैट इज शैनन एंड वीवर मॉडल। शैनन एंड वीवर मॉडल, ध्यान से सुनोगे इनके मॉडल में पहले तो याद कर लेना कि कितने एलिमेंट्स हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट। सवाल ऐसा भी आ जाता है कि शैनन एंड वीवर के मॉडल में कितने एलिमेंट्स थे कम्युनिकेशन के? 5। एरिस्टोटल में कितने थे? 3। इसीलिए तो वो सिंपलेस्ट मॉडल है। चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से एलिमेंट। सोर्स, ट्रांसमिटर, सिग्नल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब यहां पर क्या है? जहां तक मैसेज पहुंचना था वहां पहुंच गया, मतलब इट हैज रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। और बेटा ध्यान में रखना कि आपको ये पूरा का पूरा अलग अलग मॉडल दिमाग में यहां पर पूरा मेमोराइज होना चाहिए, तभी सवाल बनेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बर्लो के मॉडल पर। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा।
बर्लो का कम्युनिकेशन मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि ईयर के साथ भी कभी कभार पूछा जा सकता है। तो आया था 1960 में। पहली बात तो मैं पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि इतना सारा बच्चा ईयर याद करके जाता है। अरे ईयर को लेके कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जहां पर मैंने पिन पॉइंट करके बोला है लाइक बर्लो का मॉडल, प्लीज ईयर पढ़ के ही जाइएगा। बर्लो को क्या फादर ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है, इसको जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, हु इज द फादर ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बर्लो के मॉडल को देख लेते हैं, सेम सी डी आर। बहुत बार पेपर में सवाल ऐसा भी आता है कि सेम सी डी आर किसका कम्युनिकेशन मॉडल था, तो बर्लो का। बर्लो के मॉडल में कितने एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, दिख तो रहा है, छह है भाई। और अब पढ़ लेते हैं फटाफट, एस का मतलब क्या है, सोर्स। ई का मतलब क्या है, एनकोडर। एम का मतलब क्या है, मैसेज। सी का मतलब क्या है, चैनल। डी का मतलब क्या है, डीकोडर। और आर का मतलब क्या है, रिसीवर। आर का मतलब क्या है, रिसीवर। ऐसा मत सोचना कि मैम आप तो बिना समझाए फॉरवर्ड कर रहे हो अपने आप को या पूरे के पूरे मैटर को। भाई मैंने इसका पूरा बेसिक समझा रखा है, दिस इज अ रिविजन सीरीज, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अभी कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपको पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज कराने पर ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट तो मैंने ऑलरेडी क्लासेस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हो गया बर्लो का मॉडल। अब आप सभी से एक सवाल, प्लीज आंसर किया करो सवालों को, क्योंकि मैं सबके मैसेजेस को पढ़ती हूं। एक सवाल था सीईटी का, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा सवाल हो सकता है, एसएमसीआर किसका मॉडल था। डू कमेंट एंड लेट मी नो कि एसएमसीआर किसका मॉडल था कम्युनिकेशन का। क्या पता एग्जाम में देखने को मिल जाए यार ये सवाल, तो पढ़ लेना बेहतर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मॉडल पर, एंड दैट वाज श्रैम्स मॉडल, श्रैम का मॉडल। सेस डीडी, कितने एलिमेंट पहले दिमाग में होना चाहिए, पांच एलिमेंट सेस के कम्युनिकेशन में। कौन कौन से, सबसे पहला एस फॉर सोर्स, ई फॉर एनकोडर, एस फॉर सिग्नल, डी फॉर डीकोडर और लास्ट है डेस्टिनेशन। लास्ट क्या है, डेस्टिनेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट मॉडल पर, एंड दैट इज रॉजर्स एंड शूमेकर मॉडल। काफी ज्यादा पूछा जाता है इनके भी मॉडल को। आप देख रहे होंगे कि रॉजर्स एंड शूमेकर मॉडल को मैंने शॉर्ट में क्या लिख रखा है, एस एम सी आर ई, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड इफेक्ट। कितने एलिमेंट्स हैं देख पा रहे होंगे, पांच एलिमेंट। तो मैंने आपको सारे टाइप ऑफ सवाल समझा दिए हैं, दिमाग लगा करके पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके बाद मुझे लगा इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसे टर्म्स जो समझना बेहद जरूरी है कम्युनिकेशन में। मैंने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी समझा रखा है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, ये मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस में एक्सप्लेन किया है। बट क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है बेटा, हर कुछ समझा पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जितना बोल रही हूं कम से कम उतना सुन करके एटलीस्ट ढूंढ करके ही पढ़ जरूर लीजिएगा। तो आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन पर। सबसे पहला टर्म है बेटा फिडेलिटी। ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाला टर्म है कम्युनिकेशन से, तो आई विल रिक्वेस्ट कि इसे समझ करके याद जरूर कर लीजिएगा। फिडेलिटी क्या है, तो अगर हम बुकिश लैंग्वेज को यूज करें तो पहले हम बुकिश लैंग्वेज में लिख देते हैं, फेथफुल परफॉर्मेंस, फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कम्युनिकेशन के दौरान, कम्युनिकेशन में भाग लेने वाले प्रत्येक एलिमेंट का ईमानदारी से परफॉर्मेंस करना बेहद जरूरी है, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा। जैसे मान लो मैं स्पीकर हूं, मैं कम्युनिकेशन का एलिमेंट तो हूं ना, तुम ऑडियंस हो, तुम कम्युनिकेशन के एलिमेंट हो ना भाई, बिल्कुल हो। अब मैंने अगर अपना काम ईमानदारी से नहीं किया तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो नहीं हो पाएगा ना। तुमने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया तो भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कहां रहा। तो फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ प्रत्येक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, फिडेलिटी। क्या कहलाता है, फिडेलिटी। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जो कि है इम्पैथी। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कम्युनिकेशन में भी यूज होता है बेटा ये इम्पैथी टर्म। अब ये क्या होता है, तो लिखेंगे पहले डेफिनेशन, फिर मेरे पास एक से एक एग्जाम्पल है, तुम्हें चुटकियों में मैं समझा दूंगी इम्पैथी का मतलब क्या है। लिखिएगा, कीपिंग वन सेल्फ इन अदर्स सिचुएशन,
इन अदर्स सिचुएशन, खुद को किसी दूसरे के सिचुएशन में रख करके देखना कि मुझ पर ये बीत रहा होता तो कैसा हो रहा होता। अब ये कम्युनिकेशन में क्यों जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है भाई, मैं टीचर हूं, मुझे अभी आपका स्थिति समझते हुए रिवीजन सीरीज करवाना है। ये नहीं कि मैं अपनी स्थिति को समझ लूं कि हाँ भैया मुझे तो भारी नॉलेज है और मैं आके पूरा नॉलेज यहां पर उढ़ेल दूं। वो नॉलेज अगर तुम्हारे काम नहीं आएगा पेपर में तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तो बच्चों की स्थिति में मैंने रखा कि अच्छा भैया अभी बच्चों को क्या चाहिए होगा, बच्चों को चाहिए होगा क्विकली हमारा सिलेबस रिवाइज हो जाए। तुम्हारे सिचुएशन में अपने आप को रख के देखा और उसके बाद ये रिवीजन सीरीज तैयार किया। तो कम्युनिकेशन में एम्पैथी तो इंपॉर्टेंट है भाई, समझना जरूरी है कि ऑडियंस क्या सोच रहा है, और तुम्हारा मुझको भी समझना जरूरी कि मैम का क्या सिचुएशन है, तभी तो मैम संडे को क्लास नहीं ले पाई। उम्मीद करती हूं आपको एम्पैथी का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा, कम्युनिकेशन गैप बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, तुम लोग भी सीख लो, ये सब तुम्हें हेल्प करेगा। अब ये क्या है? हमने बोला कुछ, तुमने समझा कुछ, यही है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप यही है कि बोलना हम कुछ चाह रहे थे, तुमने समझ कुछ और लिया, जैसा अक्सर बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ होता है। टीचर्स कुछ बोल रहे होते हैं, बच्चे अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बना लिए होते हैं। दिस इज नोन एज कम्युनिकेशन गैप। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। केजीएस का फुल फॉर्म है नॉलेज जेनरेटिंग सिस्टम। नॉलेज जेनरेटिंग सिस्टम, जी हाँ, ये सब कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। नॉलेज जेनरेटिंग सिस्टम, नॉलेज जेनरेटिंग सिस्टम यानी जहां पर नॉलेज जेनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, लाइक यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट। लिख लिए रहना एग्जाम्पल, एग्जाम में सवाल आ जाता है कि यूनिवर्सिटी इज अ टाइप ऑफ केजीएस की, केडीएस की, केसीएस। केजीएस है वो नॉलेज जेनरेट करने वाला बॉडी है। नेक्स्ट केडीएस, नॉलेज डिसेमिनेटिंग सिस्टम, वो कौन सा सिस्टम है जो नॉलेज को फैलाएगा? तो फैलाने के लिए तो सबसे अच्छा क्या है भाई? मास मीडिया। मास मीडिया न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया। और लास्ट है बेटा केसीएस, नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम। नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम, ये जो पूरा का पूरा नॉलेज यूनिवर्सिटी में और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बनाया जाता है वो किसके खपत के लिए? फार्मर के लिए, बिकॉज हम एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम के अंदर कौन आ जाएंगे बेटा? फार्मर्स। ध्यान रखना, मैंने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और क्रोनेमिक्स, प्रोक्सेमिक्स, हैप्टिक्स, पैरा लैंग्वेज, एंटिक्स, वर्बोसिटी, मॉर्फीम, ये सारे टर्म्स को कम्युनिकेशन के ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। ये रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रही हूं, तो प्लीज 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 इतना पढ़ के जरूर जाएंगे। इसके अलावा जो पढ़ाया हुआ है क्लास नोट्स में वो भी पढ़ना है। नेक्स्ट, इसके बाद हम आ जाते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि कहलाता है कम्युनिकेशन मेथड। कम्युनिकेशन के विभिन्न मेथड्स, जैसे इंडिविजुअल मेथड, ग्रुप मेथड, मास मेथड। अभी मैं पढ़ा रही हूं ना एक्सटेंशन एजुकेशन को, अभी इस समय पर हो सकता है जब भी आप देखोगे वीडियोस पे 2000 बच्चों ने देखा, 3000 बच्चों ने देखा, मतलब बहुत बड़ा पॉपुलेशन देख रहा है मेरे लेक्चर्स को, या किसी भी यूट्यूब के लेक्चर को मैं बात कर रही हूं, तो वो कैसा हो गया कम्युनिकेशन का मेथड? मास कम्युनिकेशन मेथड। बिकॉज बोल जरूर रहा है एक आदमी, लेकिन सुनने वाले तो कितने सारे लोग हैं। तो अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन मेथड्स के क्लासिफिकेशन पर। पहला है बेटा इंडिविजुअल मेथड। पहला क्या है? इंडिविजुअल मेथड। तुम्हें याद कर लेना है कि कौन कौन से मेथड इंडिविजुअल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे आते हैं। सबसे पहला है फार्म विजिट, किसी फार्मर के खेत पे विजिट करना। दूसरा है होम विजिट, फार्मर के घर जाना। अब फार्मर के घर जाओगे तो भैया एक ही फार्मर के घर जा रहे हो ना, फार्म विजिट और साथ ही साथ फार्मर्स कॉल, ये तीनों इंडिविजुअल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड का सबसे पहला टाइप, मैं जीएल रे का रेफरेंस देते हुए बोल रही हूं, ध्यान रखना, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ग्रुप मेथड का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन भी ग्रुप मेथड का एग्जांपल है भाई लोग, याद रख लेना, याद रख लेना। और फादर ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, फादर ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन किन्हें माना जाता है? सीमैन एनैप।
सीमैन एनाप को हम फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मानते हैं। फार्मर्स डे और स्टडी टूर ये सब के सब ग्रुप मेथड्स में आते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फटाफट मास कम्युनिकेशन मेथड पर, जिसमें बहुत बड़ा समूह कम्युनिकेशन का फायदा उठा सकता है, जैसे कैंपेन्स, एग्जीबिशन, न्यूज़पेपर, बिल्कुल रेडियो, टीवी, फार्म पब्लिकेशंस, ये सब मास कम्युनिकेशन मेथड के एग्जांपल्स होते हैं। अब देखना, पेपर में सवाल यहां से आना बहुत कम हो चुका है हर टाइप के पेपर में। क्यों? क्योंकि इसको बच्चा अगर नहीं भी पढ़ा रहेगा ना, तो थोड़ा दिमाग लगा करके जरूर बना सकता है। इसीलिए सवाल आजकल अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फिडेलिटी क्या है, इम्पैथी क्या है, कम्युनिकेशन गैप क्या है, ऐसे शब्दों से ज्यादातर सवाल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, एक और कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन है बेटा, एंड दैट इज ऑडियो विजुअल एड। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अभी कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप ऑडियो भी सुन पा रहे हो और मुझे देख भी पा रहे हो, तो ऑडियो विजुअल एड हो गया ये कम्युनिकेशन का। तो शुरुआत करते हैं ऑडियो एड से, जिसमें केवल सुनाई देगा आपको चीजें। टेलीफोन, अब ये मत बोला कि मैम अब तो वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। टेलीफोन, पीएई, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट, पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट, ये जो माइक्स होते हैं ना, माइक्स सब इसी में आते हैं। और साथ ही साथ टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर तो नो डाउट, ये किस तरह का एड है बेटा, ऑडियो एड। नेक्स्ट, विजुअल एड, जहां पर आप देख सकते हो केवल, सुन नहीं सकते हो, देख सकते हो केवल, विजुअल एड। विजुअल एड को बेटा दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, प्रोजेक्टेड, मैं समझा रही हूं घबराइए नहीं, और दूसरा है नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड मतलब ऐसे विजुअल एड्स जिनको देखने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी की सहायता लेनी पड़ जाएगी, और नॉन प्रोजेक्टेड में कोई इलेक्ट्रिसिटी का लोचा नहीं है भाई, बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी तुम्हें चीजें देखने को मिल जाएंगी। प्रोजेक्टेड एड में स्लाइड चलाना है तो भैया बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। ओपेक प्रोजेक्शन, फिल्म स्ट्रिप एंड ओवरहेड प्रोजेक्शन, समय रहता तो मैं एक एक चीज का फोटोग्राफ भी रखी हुई हूं, लेकिन जरूरत नहीं है बेटा फोटोग्राफ्स देखने का, वो भी लास्ट समय पर। नॉन प्रोजेक्टेड चॉकबोर्ड, चॉकबोर्ड आपने देखा है कहां पर, वहां पे प्रोजेक्शन की जरूरत थी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है। मॉडल, मॉडल को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना चाहिए, नॉर्मल मॉडल्स आप दिखा सकते हो। डायोरामा, डायोरामा, डायोरामा पता है क्या होता है, किसी ओरिजिनल सिचुएशन का रिप्रेजेंटेशन डायोरामा होता है, किसी ओरिजिनल सिचुएशन का रिप्रेजेंटेशन होता है डायोरामा। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑडियो विजुअल एड्स पर, नेक्स्ट टॉपिक पर क्या गए बेटा, ऑडियो विजुअल, जहां आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। इसको भी हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड जिसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, प्रोजेक्टेड जिसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सहायता आपको लगेगी। नॉन प्रोजेक्टेड में पपेट शो, कठपुतली वाला जो शो होता था, ड्रामा, टॉकिंग डॉल, बोलने वाली गुड़िया को भी यूज किया जाता है। और प्रोजेक्टेड में आ जाएंगे मोशन पिक्चर, मोशन पिक्चर मतलब सिनेमाज, एंड साथ ही साथ वीडियोस। तो आई एम श्योर कि ये इतना इजी सा टॉपिक है कि तुम नहीं भी पढ़ के जाओगे तो आई एम श्योर आप सभी से बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक सवाल डेफिनेटली तुमको देखने को मिल सकता है जो मैं बोलने जा रही हूं, ध्यान से सुनो। जैसे एक्सटेंशन किस भाषा से लिया गया शब्द है, लैटिन शब्द, ये सब दिमाग में होना चाहिए। फादर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कौन है, जेपी लीगन्स। फादर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इंडिया कौन है, के एन सिंह सर। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन एजुकेशन कौन है, जेम्स स्टुअर्ट, पिछली बार का सवाल। फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन कौन है, सीमैन ए नैप। फादर ऑफ पीआरए कौन है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, रॉबर्ट चेम्बर्स। फादर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, मैंने तुमको बोला है कमेंट करके जरूर बताना, तो बताना, पता चला सवाल उठ करके आ गया, ठीक है ना। तो फादर वाला भी एक सवाल पूछा जा रहा है, ये ट्रेंड बना हुआ है। अब इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है कि ये जो आप एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करते हो, जहां पर हम फार्मर्स को नई चीजों के बारे में अवेयरनेस प्रदान करते हैं, ये किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, तो ध्यान रखना इट इज अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। स्कूल में जो हम एजुकेशन हासिल करते हैं वो फॉर्मल है,
वहां पर एक एज ग्रुप का बच्चा एक ही क्लास में बैठ के पढ़ सकता है, यूनिफॉर्म होंगे, प्रॉपर बुक्स होगा, प्रॉपर सिलेबस होगा, वो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। बट एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। तो ये कंप्लीट हुआ कम्युनिकेशन वाला टॉपिक। अच्छा, इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप सभी के साथ जरूर डिस्कस कर दूंगी। देखो, सोशल एटीट्यूड, सोशल वैल्यू, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में पूरे क्लास में डिस्कस किया है। रिवीजन सीरीज में तुम बोलोगे कि मैम कुछ और टॉपिक्स को भी बता दो जो इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको कहूंगी ये जरूर पढ़ के जाएं, एंड दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और घबराओ नहीं, क्योंकि ये रिवीजन है तो मैं ऐसे पॉइंट्स को जरूर टच करूंगी जहां से सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है सोसाइटी को विभिन्न हिस्सों में अलग अलग आधार पर डिवाइड कर देना, दैट इज नोन एज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में दो कॉन्सेप्ट्स अक्सर पूछे जाते हैं, एक है क्लास और दूसरा है कास्ट, बिकॉज सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन इन आधार पर भी किया जाता है, क्लास एंड कास्ट। अब मैं आपको जेआरएफ का सवाल बता रही हूं, ध्यान रखना, जेआरएफ सोशल साइंसेस का, उससे ऊपर के सवाल तो आरियो में नहीं आ जाएंगे, तो मैं जेआरएफ का आपको सवाल बताती हूं। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि क्लास जो है आदमी का, ये कैसा स्टेटस है, ये अचीव्ड स्टेटस माना जाता है। जिसको आदमी अपने मेहनत से कमाता है वो अचीव्ड स्टेटस होता है, जैसे कि आदमी का क्लास। लेकिन जो कास्ट होता है, कास्ट आपने मेहनत से नहीं कमाया, ये आपके साथ हमेशा से है, इसीलिए कास्ट कैसा स्टेटस हो जाता है, एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है। तो ये एक चीज जरूर से पढ़ के जाइएगा। पिछली बार का सवाल बहुत ही इजी था एक्सटेंशन एजुकेशन का, अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट करना चाहा ना इस बार, तो डेफिनेटली आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। मैं आपको दोबारा कह रही हूं, एक्सटेंशन एजुकेशन से 8 से 10 सवाल जितने भी आते हैं सब तुम्हारे बनने लायक होंगे। तो सारे सवाल को एक बार पढ़ना जरूर, और उसके बाद डिसाइड करना कि तुम्हें बनाना है कि नहीं बनाना है। 8 सवाल अगर एक्सटेंशन एजुकेशन में से आएंगे ना, तो ये मान के चलो कि 4 सवाल प्रोग्राम से तय है आना। तो एक एक प्रोग्राम जो मैं यहां पर डिस्कस कर रही हूं पूरा पढ़ लीजिएगा, ईयर जहां जहां मैं बोलू कम से कम उतना ईयर जरूर पढ़ के जाना। ये बेवकूफ जैसा मत पढ़ाई करो बेटा कि 28-29 तो प्रोग्राम है, सबका ईयर किसी को याद नहीं हो सकता, किसी को याद नहीं हो सकता। जो एक साल पहले से भी पढ़े ना, वो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा ईयर को लेकर के। तो जितने पॉइंट्स पर मैं बोलू ईयर पढ़ के जाना, पढ़ के जरूर जाइएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम के साथ, नाम आपके सामने है, कोऑपरेटिव मूवमेंट, इसका ईयर पढ़ लेना, 1904। शुरुआत करने वाले का नाम था एफ निकोलसन। ये तो बहुत पुराना सवाल हुआ। नए क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो नहीं पूछा गया, वो ये कि सबसे पहली बार कोऑपरेटिव मूवमेंट कहां लॉन्च हुआ था भारत में, मद्रास, जिसका करंट नेम क्या है, चेन्नई। नहीं पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सभी बच्चों को 1904 एफ निकोलसन तो याद है, क्योंकि वही कॉम्पिटेटिव बुक्स में बस इतना ही दे रखा है, और तुम उससे आगे का सोचते भी नहीं हो, और उसके बाद एग्जाम का रिजल्ट तुम्हारा बेकार आता है, इसलिए मन लगाकर इस चीज को पढ़ लीजिएगा। दूसरा प्रोग्राम है सेवाग्राम प्रोजेक्ट। ईयर आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत करने वाले का नाम महात्मा गांधी जी, ध्यान रखेंगे। और सबसे पहली बार इस सेवाग्राम प्रोजेक्ट को लॉन्च कहां पर किया गया था, तो वर्धा, एंड वर्धा इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र, वर्धा इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, मार्थंडम प्रोजेक्ट, याद रखना, मार्थंडम, गुड़गांव, इटावा पायलट, ये नीलोखेरी, ये सब प्रोग्राम से एडीए का सवाल बता रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं होता है कि क्या उद्देश्य था क्या नहीं, किसने दिया था भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो मार्थंडम प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय स्पेंसर हैच, घुट्टी पी लो बेटा इसका, याद रखना, पूछा जाता है, एडीए का ही सवाल बता रहे हैं। नेक्स्ट, गुड़गांव प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय एफएल ब्राइन, जरूर याद करना। श्री निकेतन प्रोजेक्ट की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई। और आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसे भारत का सबसे पहला रूरल यूथ प्रोग्राम माना जाता है, मतलब ऐसा प्रोग्राम जिसका मेन टारगेट था रूरल यूथ, गांव में रहने वाले युवाओं के लिए लाया गया पहला यूथ प्रोग्राम था श्री निकेतन प्रोजेक्ट। छठवें प्रोग्राम पर आ जाते हैं, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत करने वाले साइंटिस्ट थे अल्बर्ट मेयर,
कब शुरू हुआ? 1948। याद रहे तो खुशी की बात, नहीं याद रहे तो कोई दुख मत मनाना, जितना बोला उतना पढ़ लेना। अच्छा एक और सवाल, इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से की गई थी, आप चाहें तो याद रख सकते हैं, अगर याद होता है तो बिल्कुल कर लेना। नीलोखेरी प्रोजेक्ट एसके डे के द्वारा शुरू किया गया और इस प्रोग्राम को मजदूर मंजिल भी कहा जाता था, और क्या कहा जाता था? मजदूर मंजिल। एक और नाम है इस प्रोग्राम का, डू कमेंट एंड लेट मी नो, बहुत लोग तो इग्नोर मार देते हैं, उनको बस सुनने से मतलब है, अरे आंसर करो क्या पता सवाल आ जाए। ध्यान रखना कि इस नीलोखेरी प्रोजेक्ट को और किस नाम से जाना जाता था, एक और नाम है। नेक्स्ट, भूदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट स्टार्टेड इन 1951 बाय आचार्य विनोबा भावे जी, ध्यान रखिएगा, और इस प्रोग्राम को लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी कहा जाता था। नेक्स्ट नौवे प्रोग्राम पर आते हैं, ग्राम दान मूवमेंट, इसे भी शुरू करने वाले आचार्य विनोबा भावे जी ही थे और इसे विलेज गिफ्ट मूवमेंट भी कहा गया। नेक्स्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत हुई है 1952 में। बस देखो बच्चे कहां कहां पर किस तरह की गलती करते हैं हर कोई। कल के टेस्ट में, मॉडल टेस्ट पेपर में एक सवाल दिया था मैंने कि CDB कब आया था, हर बच्चे ने CDB को CDP समझ करके 1952 मार्क कर दिया, और बच्चे हम ही से लड़ने आ जाते हैं कि मैडम क्यों ऐसा क्यों आंसर है, आपने CDB पूछा था तो 1952 जाना चाहिए था। नहीं भाई, मैंने CDB पूछा है, CDP पूछा तो 1952, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेकिन दिस इज कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक प्रोग्राम 1954। तो ये तुम लोगों की हालत है, डर तुमको पता नहीं क्या क्या करवा दे रहा, तुम्हें दिख भी नहीं रही ये चीजें कि वो बी है भाई, वो पी नहीं है, कल ही के टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो जरा आराम से रहो, घबराने से पेपर बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम्हारा लॉस है, दुनिया में और किसी का लॉस नहीं, याद रखना तुम्हारा लॉस है और तुम्हारे पेरेंट्स का लॉस होगा, बिकॉज उन बेचारों ने आपको मेहनत से पैसे दिए पढ़ने के लिए, और आप इतनी बेवकूफ टाइप की गलती करके आओगे तो तुम्हारा लॉस, तुम्हारे पेरेंट्स का लॉस, और किसी का दुनिया में लॉस नहीं होता, ना दोस्त का, ना यार का, किसी का नहीं, तुम्हारा ही लॉस है। तो जरा होश में रह करके पेपर को देखना। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई, CDP पी की बात कर रहे हो, किन्होंने? एसके डे ने। मेन फिलॉसफी ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज कोऑपरेशन एंड सेल्फ हेल्प, इस प्रोग्राम का मेन जो मोटो था, वो मेन फिलॉसफी क्या थी? कोऑपरेशन, मिलजुल करके काम करना, और खुद की हेल्प खुद से करना, जिसे सेल्फ हेल्प लिखा गया है। ध्यान रखना बेटा, CDP 1954 है, CDP 1952 है, ऐसी गलती मत किया करो, क्योंकि तुम्हारी एक गलती क्या कर सकती है, ये गलती के बाद समझ में आता है, इसलिए इग्नोर करने की कोशिश करिए इतने छोटे छोटे मिस्टेक्स को प्लीज। नेक्स्ट आ जाते हैं NES, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, शुरुआत एसके डे जी के द्वारा की गई, 2 अक्टूबर 1953, ईयर जरूर याद कर लेना, CDP का, CDB का, NES का याद कर लेना, पिछली बार भी पूछा था। और ध्यान रखना कि ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो बाद में मर्ज कर दिया गया था किसके साथ? NES के साथ, ऐसा सवाल भी आता है पेपर में, कहां पर मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट 12वें प्रोग्राम पर आ जाते हैं फटाफट, एंड दैट इज पंचायती राज और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। पंचायती राज सिस्टम का कंसेप्ट रिकमेंड किया गया था बलवंत राय मेहता कमिटी के द्वारा, और इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ऐसा सवाल आया है पिछली बार भी कि पहला KVK कहां बनाया गया, तो भाई पहली बार इनॉग्रेशन कहां पर हुआ है पंचायती राज सिस्टम का? नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तुम लोग मुझे एक चीज जरूर बताना कि पंचायती राज का कॉन्सेप्ट किस ईयर में आया, किस ईयर में आया, ठीक है ना, और किस ईयर में लागू हुआ, ये भी जरूर बताना अगर मिल जाएगा तो। नेक्स्ट बेटा IADP फुल फॉर्म भी सवाल आता है एग्जाम, इसका फुल फॉर्म बता दो, उसका फुल फॉर्म बता दो, ध्यान से देखना। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, कहीं कहीं पर डेवलपमेंट दिया था, मैंने ही इसी PDF नोट्स में, झूठ क्यों बोलूं भाई, मैंने ही इसी PDF में पहले डेवलपमेंट भी लिखा था, फिर करेक्ट किया है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम।
1960 खरीफ सीजन के दौरान लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पैकेज प्रोग्राम भी कहा जाता था। पिछली बार इसका फुल फॉर्म भी शायद पूछा, या तो इसका पूछा या तो आईएएपी का पूछा, एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट प्रोग्राम आईएएपी, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम। बेटा फुल फॉर्म जरा ध्यान से पढ़ के जाना, 1964। और अच्छा हुआ मुझे याद आया, बिकॉज इस लिस्ट में नहीं था। एक और प्रोग्राम है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ये 1966 में आया, 1966 में आया। नेक्स्ट बेटा टीएनवी प्रोग्राम, वाओ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम, 1974 में भारत में लॉन्च हुआ। सबसे पहले शुरुआत हुई इसकी राजस्थान से। टीएनवी प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले साइंटिस्ट का नाम था डेनियल बेनॉर। क्या नाम था? डेनियल बेनॉर, डेनियल बेनॉर। और यही कारण है कि ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम प्रोग्राम को बास्टर एंड बेनर प्रोग्राम भी बोलते हैं, बास्टर एंड बेनर प्रोग्राम। नेक्स्ट आ जाते हैं केवीके पर, कृषि विज्ञान केंद्र, इंग्लिश में फार्म साइंस सेंटर, एफएससी, 1974। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत हुई पौंडीचेरी तमिलनाडु से, और यही पिछली बार का सवाल था। अब ध्यान रखना कि केवीके का फॉर्मेशन जरूरी है। इस चीज का रिकमेंडेशन करने वाले कमेटी का नाम था मोहन सिंह मेहता कमेटी, मोहन सिंह मेहता कमेटी। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज का रिकमेंडेशन दिया था, ये चीज याद रखिएगा। साथ ही साथ तुम लोग कुछ और पॉइंट्स को पढ़ लेना, मैं बोल देती हूँ। टोटल केवीके इन छत्तीसगढ़, पहला केवीके छत्तीसगढ़ में कहां बना, कब बना, और लास्ट नंबर का केवीके कहां पर बनाया गया। अगर आपको लगे कि आपको मुझे बताना चाहिए, बिल्कुल बताइए, यही एक तरीका है कि आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा ट्राइसेम पर, ट्राइसेम। ट्राइसेम का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 15 अगस्त 1979 में ये लॉन्च हुआ, ध्यान रखिएगा, ईयर के साथ याद होना चाहिए। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य था 18 से 35 वर्षीय लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग देना, कि वो स्वरोजगार के ऑप्शंस कैसे जेनरेट कर सके। नेक्स्ट एलएलपी, लैब टू लैंड प्रोग्राम, लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979 में लॉन्च हुआ था। और मैंने आपको याद करो यूनिट वन के रिवीजन सीरीज में बताया था कि आईसीएआर बना था 16 जुलाई 1929 को, और आईसीएआर ने अपने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के दौरान इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसका नाम था लैब टू लैंड प्रोग्राम। नेक्स्ट आईआरडीपी, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1980 को लॉन्च हुआ, और ये भारत का मेजर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम माना जाता है। मतलब ऐसा प्रोग्राम जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं गरीबी को हटाना था, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। नेक्स्ट आईवीएलपी, सुनना फुल फॉर्म ना, हो सकता है पूछ ले इस बार, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम, इंस्टीट्यूट्स और विलेज को लिंक करने वाला प्रोग्राम, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम 1994-95 के दौरान आया। और 1999 में आईवीएलपी को मर्ज कर दिया गया एक दूसरे प्रोग्राम के साथ, विच इज एनएटीपी, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट एनएटीपी कब लॉन्च हुआ, 30 जून 1998 को, और इसको फंड किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट किसान क्रेडिट कार्ड was launched in the year 1998-99, और इसको स्टार्ट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन नाबार्ड, आरबीआई के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों की पहल थी, और इसी वजह से किसान क्रेडिट कार्ड जैसे प्रोग्राम को लॉन्च कर पाना संभव हुआ, ध्यान रखना। नेक्स्ट स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999, NAIS नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम लिख लीजिएगा 1999 में शुरुआत हुआ। इसकी स्पॉन्सरशिप उठाई थी जीआईसी ने, और जीआईसी का नाम अब बदल करके AICIL हो चुका है, आराम से इस पॉइंट को तुम छोड़ सकते हो। लेकिन NAIS का फुल फॉर्म और कब शुरू हुआ जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट ATIC एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर 2000 में लॉन्च हुआ, और स्टार्ट किसके द्वारा किया गया, ICAR। नेक्स्ट बेटा एग्री क्लिनिक योजना, ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ही था, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, 2001-02, स्टार्ट करने वाले बैंक का नाम नाबार्ड।
किसान कॉल सेंटर 21 जनवरी 2004 ध्यान रखिएगा, टोल फ्री नंबर हर बार लास्ट के चार डिजिट्स पूछे जाते हैं 1551 लास्ट के चार डिजिट्स। हफ्ते में ये सातों दिन फंक्शनल है ध्यान रखना, और मुझे तुम समय बता दोगे सुबह से लेकर के शाम तक कितने बजे से कितने बजे तक किसान कॉल सेंटर इज ऑपरेटिव। ये भी एक सवाल जेआरएफ का सवाल था और काफी अच्छा सवाल है आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। एक और होमवर्क तुम्हें दे रही हूं, 28वां प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मना कर दिया। आप लोग एनएआईपी नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट ध्यान रखना, 2006 में लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम, ये भी याद रख लेना बेटा। चलिए तो ये हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ है, दिस इज क्विक रिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। और अब मैं फटाफट आ जाती हूं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एंड दैट इज एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी। सबसे पहले मैंने कोशिश की है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वन लाइनर्स में चेंज कर दूं। मुझे इससे कतई मतलब नहीं है कि तुम्हारे सिलेबस में इनमें से कोई टॉपिक था कि नहीं था, मुझे इस चीज से मतलब है कि हाँ भाई मेट्रोलॉजी अगर कहा जाता है तो ये सारे टॉपिक्स डिस्कस होना जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी सवाल आ सकता है, ये चीज तय रखना। पिछली बार का भी ट्रेंड यही बोलता है। क्लाउड्स आपके सिलेबस में नहीं है, मैं जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, लेकिन पूछ लेगा तो तुम लड़ लोगे क्या? तुमको पढ़ के जाना है ना भाई, अपने आप को सेफ रखना। एक चीज याद रख लेना, वो ये कि कॉलीफ्लावर शेप्ड क्लाउड्स, जिसका शेप कॉलीफ्लावर के जैसा है, या वूल, वूल मतलब ऊन के जैसा फुला हुआ क्लाउड, किसे कहते हैं? क्यूमुलस। किसे कहते हैं? क्यूमुलस क्लाउड्स को। नेक्स्ट पॉइंट, सोलार कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1.979 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, या फिर 2 लैंगले पर मिनट, या फिर 1390 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कह देंगे कि मैम हमारी बुक में तो 1353 बोला गया है। बिल्कुल सही है, मैंने भी ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, इनफैक्ट मैंने पढ़ाया भी है कि कहीं कहीं पर वैल्यू 1353 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। इनफैक्ट आरएचयू 2017 में जितना मेरी याददाश्त कहती है सवाल आया भी था, और वहां पर भी लगभग लगभग आंसर यही लिया गया था। लेकिन भाई हर चीज का रेफरेंस यहां पर बता दे रही हूं मैं, ताकि जो भी ऑप्शन में रहे तुम छाट लो। अब ये मत कहना कि दोनों ऑप्शन में रहा तो, इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं है बेटा, दोनों में से कोई एक ही रहता है। सोलार कांस्टेंट, इसी के बहाने तुम्हें सोलार कांस्टेंट के यूनिट्स भी याद होने चाहिए। क्या क्या यूनिट है? कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, सोलार कांस्टेंट का यूनिट। लैंगले पर मिनट, सोलार कांस्टेंट का यूनिट। वॉट पर मीटर स्क्वायर, सोलार कांस्टेंट का यूनिट। हमने क्लासेस में समझा रखा है सोलार कांस्टेंट क्या होता है, फिर भी अगर तुम्हें सुनना है तो एक बार फटाफट सुन लो। धरती के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 1 मिनट में सूरज से कितनी हीट एनर्जी रिसीव होती है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सोलार कांस्टेंट हो जाता है। ध्यान रखना वैल्यू के साथ साथ यूनिट पर भी ध्यान होना चाहिए। पिछली बार भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट पूछा गया था, इसीलिए यूनिट पर भी ध्यान डालो। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं बेटा, तीसरे पॉइंट पर। मेरे हिसाब से इस बार का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एल्बिडो। एल्बिडो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस टाइम। हो सकता नहीं भी आए, लेकिन आ गया तो सोचो जरा एल्बिडो क्या है। तो एल्बिडो इज द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। सूरज से आने वाले सारे रेडिएशन हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं करती है भाई, अगर कर लेगी तो इतना गर्म हो जाएगा तुम्हारा बॉडी या दुनिया का कोई भी बॉडी कि पता नहीं क्या होगा उसके साथ। थोड़ी बहुत ही सही मात्रा में रेडिएशन क्या होता है, वापस भेज दिया जाता है, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कहते हैं। तो एल्बिडो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, ना कि अब्सॉर्ब रेडिएशन। एल्बिडो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है सच में भाई। कल के ही टेस्ट में मैंने ये सवाल पूछा था कि इनमें से कौन सा यूनिटलेस है। ऑप्शन में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी, एल्बिडो था, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी थी, शायद नोटा था। बच्चे कहते एल्बिडो का तो यूनिट है, कहां से भाई, किसने बोल दिया तुम्हें? एल्बिडो को हम प्रतिशत में एक्सप्रेस करते हैं, प्रतिशत कोई यूनिट नहीं होता है। एल्बिडो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ध्यान रखना। इस तरह की फालतू गलती तो लास्ट मोमेंट में होनी भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ एल्बिडो से मुझे याद आया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। आरएच को भी परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। अब एल्बिडो के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है,
राइस का बेटा एल्बिडो जरूर पढ़ के जाना 12%। मुझे पता है अभी फट से एक मैसेज आ जाएगा जैसे तुम सुनोगे मैम हम लोगों ने तो 10% भी पढ़ा है। अरे भाई प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी एसआर रेड्डी सर की बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूं 12%। मूंग 26%, गेहूं 23 से 25%, अर्थ का जरूर याद रख लेना एवरेज एल्बिडो अर्थ का होता है 0.3, कहीं कहीं पे 0.4 भी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत हो गया। एंड लास्ट इज चारकोल 0.04, समझते हो इसका मतलब 0.04 को जरा प्रतिशत में चेंज करो 4% होता है, मतलब चारकोल केवल 4% रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी 96% अब्सॉर्ब कर ले रहा है। सोचो 96% रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रहा है। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, पिछली बार भी सवाल था मैंने छाट दिया है, बहुत इजी कर दिया है बेटा, अभी पढ़ लेना ध्यान से। यहां पर लिखा है वेदर एलिमेंट्स के नाम और उधर है उसका यूनिट। सबसे पहला है टेम्परेचर, हमारी बात ध्यान से सुनोगे, टेम्परेचर को सेल्सियस में मापा जाता है, फारेनहाइट में मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है और रियूमर में भी मापा जाता है। मैंने क्लास में कन्वर्जन वगैरह सब पढ़ा रखा है। अब ध्यान दो, एसआई यूनिट, एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, ऐसा सवाल पिछली बार आया था, तुम चेक कर लो। एसआई यूनिट है केल्विन, क्या है केल्विन। नेक्स्ट बेटा क्लाउड कवर, आसमान में कितने बादल हैं, गाना वगैरह तो बहुत बन गया आसमान में बादल छा रहे हैं और ये हो रहा है, बट यहां तो तुमको सवाल बनाना है। क्लाउड कवर को मापने का यूनिट है ओक्टास, और ओक्टास का रेंज कहां से कहां तक जाता है, 0 से 8 तक जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पिछली बार का सवाल है एसआई यूनिट क्या होता है भाई लोग, पास्कल, क्या है पास्कल। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का यूनिट पीएसआई भी है, टॉर भी है, मिलीबार भी है, एमएम ऑफ मर्क्यूरी भी है, हेक्टोपास्कल भी है, हेक्टोपास्कल भी है ध्यान रखना। इसके अलावा एक और यूनिट है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट क्या है पास्कल। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा विंड स्पीड पर, हवा की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा नॉट नॉटिकल माइल्स, किलोमीटर प्रति घंटा नॉट नॉटिकल माइल्स। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, बड़ा अच्छा सवाल हो सकता है इस बार के लिए, डीयू, डीयू यानी डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन यूनिट, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह दिया है ना तो उससे रिलेट करके पूछ सकता है, और इसी बहाने वर्ल्ड ओजोन डे भी याद रह जाएगा 16 सितंबर। नेक्स्ट सोलार रेडिएशन का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है इसका वॉट प्रति मीटर स्क्वायर, अभी जस्ट तुमने पढ़ा था। पार, पार यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसका सबसे पहले तो वैल्यू लिख लो 400 से 700 नैनोमीटर, और अगर माइक्रोमीटर में पूछे तो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। देखो बेटा मैंने सब समझा रखा है, पार क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या इसका रोल है, सब पढ़ाया है, तो अभी तो मैं रिवीजन करवा रही हूं ना, कहां से कॉन्सेप्ट में जा सकती हूँ, जितना हमसे हो पा रहा है हम करा दे रहे हैं रिवीजन भाई, हाँ कि इतना मिनिमम आपको याद हो जाए। अभी तक तो तुमने कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, रिवीजन ही तो कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट का टाइम नहीं है मेरे पास, बाकी तुम पढ़ो ना आराम से तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा। आइंस्टाइन यूनिट होता है बेटा इसका यूनिट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पर, यूनिट है ग्राम पर केजी, ग्राम पर केजी पढ़ लेना ध्यान रखो तुम लोग काम आएगा। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूनिट होता है ग्राम पर मीटर क्यूब, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यूनिटलेस है, परसेंटेज इज नॉट अ यूनिट, दुनिया के किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिख सकता कि परसेंटेज यूनिट है, ना ही कोई टीचर पढ़ा सकता है कभी, तुम गलत समझ लेते हो। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं वेदर एलिमेंट्स और लाइन्स, अब ये क्या है, जब हम वेदर मैप तैयार करते हैं तो ऐसे एरियाज जहां पर एक जैसा वेदर प्रोसेस हो रहा है उनको जोड़ने के लिए कुछ लाइंस बनाए जाते हैं, जैसे अगर किसी दो या तीन जगहों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सेम है तो ऐसे एरियाज को जोड़ने वाले लाइन आइसोबार कहलाएंगे। अगर किसी दो या तीन इलाके में सेम सनशाइन ड्यूरेशन है, 12 घंटे चकचकाती धूप पड़ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे एरियाज को जोड़ने वाले लाइंस आइसोहेल है। सेम रेनफॉल वाले एरियाज को जोड़ने वाले लाइंस आइसोहाइट है। सेम विंड वेलोसिटी के
आई मीन सेम विंड वेलोसिटी वाले एरियाज को जोड़ने वाले लाइंस है आइसोटैक, सेम क्लाउड कवर को जोड़ने वाले लाइंस है बेटा आइसोनेफ, सेम टेम्परेचर को जोड़ने वाले लाइंस वेदर मैप पे क्या कहलाते हैं आइसोथर्म, आइसोथर्म। ठीक है, ये भी जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट, आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है ग्रीन हाउस गैस, इसी ग्रीन हाउस गैस की ही वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रही है दुनिया, ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रही है। कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है, क्रम में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, CO2, फिर मीथेन का नंबर, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का नंबर, और लास्ट है फ्लोरिनेटेड गैसेस। क्रम में है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में CO2 का, फिर मीथेन का, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का, फिर है फ्लोरिनेटेड गैसेस। एक बहुत अच्छा सवाल आता है, ध्यान रखना, कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, तो दो का नाम तो जरूर पढ़ के जाना बेटा, एक है मीथेन और एक है नाइट्रस ऑक्साइड। मैंने अपने सीरियल क्रॉप के रिवीजन सीरीज में जरूर पढ़ाया था कि याद होगा अगर आपको कि नेचुरली धान के फील्ड से मीथेन नाम का गैस एमिट होता है, ये जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट, इसी तरह से ODS, ODS मतलब जो हमारे ओजोन लेयर को खत्म कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, डिप्लीट करने का मतलब डिस्टर्ब करने वाला, खा जाने वाला, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFCs, हैलॉन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म। कुछ याद रहे ना रहे CFC जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया है वेदर हजार्ड, वेदर हजार्ड्स क्या होते हैं। एक बच्ची का सवाल भी था मेरे यूट्यूब रिवीजन सीरीज पर, एक बच्ची ने क्वेश्चन दिया था कि मैम पिछली बार वेदर हजार्ड पूछा था कौन से, और अर्थक्वेक वेदर हजार्ड नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डिजास्टर एंड नॉट अ वेदर हजार्ड। वेदर हजार्ड मतलब जब वेदर का सिचुएशन एक्सट्रीम हो जाए, हवा बहना जरूरी है, हवा साइक्लोन का रूप ले ले तब तो तुम्हारा क्रॉप प्रोडक्शन प्रभावित होगा, ऐसी चीजों को वेदर हजार्ड कहा जाता है। तो कम से कम बेटा अब लास्ट टाइम पे वेदर हजार्ड्स कौन कौन से यही पढ़ लो, बाकी तो हमने पॉइंट में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा भी बताया है क्लास वालों को, ड्राउट के टाइप्स बताए हैं, याद है ना, ड्राउट एस्केपिंग मैकेनिज्म बताया है। चलिए खैर, फ्लड, लैंड स्लाइड, स्कैंटी रेन, स्कैंटी मतलब कमी हो जाना बारिश को, जो कि फाइनली ड्राउट में रिजल्ट करेगा, अनटाइमली रेन्स, अनटाइमली बिन मौसम बरसात, कभी भी हो जा रहा है, साइक्लोन्स, थंडर स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स, डस्ट स्टॉर्म्स, कोल्ड वेव, शीतलहर विथ फ्रॉस्ट, दस वाय हीट वेव, गर्म हवा, एक्सेस इंसोलेशन एंड डिक्रीज इंसोलेशन। अब ये क्या है, इंसोलेशन का मतलब है सूरज से आने वाले रेडिएशन का कुछ हिस्सा तो वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, एल्बिडो जिसे कह रहे हैं, कितना अब्सॉर्ब हो जा रहा है अर्थ सरफेस में ही, दैट इज नोन एज इंसोलेशन। ज्यादा होने से भी दिक्कत है, कम होने से भी दिक्कत है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा एटमोस्फेयर एंड प्रॉपर्टीज, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक था। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर के बारे में। बचपन से एक चीज हमें सिखाई जाती है कि एटमोस्फेयर क्या है, तो अर्थ को सराउंड किया हुआ जो गैसेस का लेयर होता है वही एटमॉस्फेयर है। बचपन से तुम सीखते आए हो कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, लेकिन वो अब बचपन वाला सवाल गया, तुम्हारा बचपन गया वैसे सवाल भी गए। सवाल पर ध्यान दीजिएगा, हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कौन सा नोबल गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, आर्गन, 0.93%। ध्यान रखना सभी नोबल गैसेस में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला नोबल गैस आर्गन है, 0.93%। नेक्स्ट, सॉइल एयर में CO2 का परसेंटेज होता है 0.25, लेकिन एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 का परसेंटेज इज ओनली 0.03। मतलब सॉइल एयर में CO2 का परसेंटेज इज मोर देन एटमॉस्फेरिक एयर। ये एकदम पेटेंट सवाल है बेटा, जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए, वाटर वेपर का परसेंटेज CET ने पहली बार पूछा था, जरूर पढ़ लेना, 0 से 4% वाटर वेपर का परसेंटेज। लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन है बेटा, ट्रोपोस्फियर, और यही ट्रोपोस्फियर हर एक वेदर प्रोसेसेस का साइट माना जाता है, चाहे वो क्लाउड फॉर्मेशन हो, चाहे वो फॉग फॉर्मेशन हो, सारा कुछ इसी ट्रोपोस्फियर में होता है।
नियरेस्ट लेयर टू द अर्थ सर्फेस वो भी क्या है, ट्रोपोस्फियर। मान लीजिए ये हमारा अर्थ सर्फेस है, इससे बाहर निकलोगे सबसे पहला लेयर तो ट्रोपोस्फियर है, तो ये लोएस्ट लेयर भी एटमोस्फेयर का और सबसे नजदीक भी अर्थ सर्फेस से। सबसे बाहरी लेयर एटमोस्फेयर का कौन है, एग्जोस्फियर। कोल्डेस्ट लेयर एटमोस्फेयर का कौन है, मीजोस्फेयर। -80 तक यहां का टेम्परेचर चला जाता है। इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। जी हां, ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे आप ऊपर उठोगे हाइट के साथ टेम्परेचर में कमी आएगी, बिल्कुल सही। और इसी चीज को हम कह देते हैं लैप्स रेट। इसी चीज को हम क्या कह देते हैं, लैप्स रेट। तो अगर एग्जाम में सवाल आ जाए, पिछली बार आया भी था, कि हाइट के साथ जब टेम्परेचर में गिरावट आती है तो इसे क्या कहते हैं, लैप्स रेट। देखो हम तो मेहनत करते हैं भाई, और मेहनत करने वालों को डरना चाहिए भी नहीं। हर बुक जो तुम पढ़ रहे हो अभी इस समय पर, अरे सोचना तो पड़ेगा कि क्या एक्स्ट्रा सवाल पूछा जा सकता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर ये लैप्स रेट की वैल्यू तुम सबने पढ़ रखी है, पिछली बार पूछ भी दिया। हो सकता है ना इस बार नए तरीके से पूछ ले। यही तो मेरा प्रॉब्लम है कि तुम लोग खुद से नोट्स मेकिंग जब तक नहीं करते हो, तुम्हें चीजें समझ में कैसे आती हैं। तुम्हें एड ऑन करना जरूरी नहीं लगता भी। देखो इसमें एक नया पॉइंट है, लैप्स रेट की वैल्यू प्रति 1000 फीट की अगर बात करें तो 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, फ़ारेनहाइट है वो तुम्हारा सेल्सियस और किलोमीटर की वैल्यू है। पर 1000 फीट कितने टेम्परेचर में कमी आएगी, 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की। ये लैप्स रेट का एक नया सवाल हो गया। नहीं भी आए, अरे किसी ना किसी दूसरे एग्जाम में तो काम आएगा, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाता, ध्यान रखना। चलिए स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सा लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर। ये क्लाउडलेस जोन होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन तो ट्रोपोस्फीयर में हुआ, साथ ही साथ डस्ट फ्री जोन भी होता है। और स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर जो है ये हाइट के साथ बढ़ता है ना कि घटता है, और इसी चीज को हम क्या कह देते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर। नेक्स्ट, मीजोस्फीयर में टेम्परेचर गिरता है हाइट के साथ, तभी तो सबसे ठंडा लेयर था, इट इज द कोल्डेस्ट लेयर, पहले ही बोल दिया। एक और टर्म होता है DALR, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, जिसकी वैल्यू होती है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बेटा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है जरूर आज के सेशन के बाद पढ़ लीजिएगा, वेदर एलिमेंट और उसको मापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम। तुम ये चीज तय रखना, लिखित में ले लो कि एक ना एक सवाल किसी भी सब्जेक्ट से, सॉइल साइंस, वाटर मैनेजमेंट या फिर मेट्रोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी भी, इंस्ट्रूमेंट से पक्का आएगा, ये चीज तय रखो। सबसे पहला है आसमांस शाइक्रोमीटर, ये मापता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन क्रॉप कैनोपी। हेयर हाइग्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन रूम। हाइग्रोग्राफ रिकॉर्ड्स ह्यूमिडिटी कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअस अगर ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट चाहिए तो हाइग्रोग्राफ यूज करो। आगे, अच्छा अब तुम बोलोगे मैम मान लो सवाल आ गया, इनमें से हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। शाइक्रोमीटर क्या मेजर करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। विंड वेन हवा की दिशा मेजर करेगा, विंड वेन। एनीमोमीटर स्पीड, किसका स्पीड भैया, मेरा स्पीड थोड़ी ना पढ़ाने का, विंड स्पीड, विंड स्पीड। एटमोस्फेयरिक प्रेशर, एनीरॉइड बैरोमीटर या फिर बैरोग्राफ। थर्मोग्राफ क्या मेजर करेगा, एयर टेम्परेचर। कंटिन्यूअस अगर आपको चाहिए वैल्यू तो थर्मोग्राफ। पायरहेलियोमीटर डायरेक्ट सोलार रेडिएशन को मेजर करेगा। क्वांटम सेंसर पार को मेजर करेगा, पार अभी मैंने पढ़ाया था, आइंस्टाइन यूनिट। शेडिंग पायरानोमीटर डिफ्यूज्ड रेडिएशन, अब ये डायरेक्ट और डिफ्यूज्ड रेडिएशन क्या है, लग तो रहा होगा डाउट। डिफ्यूज्ड रेडिएशन मतलब बीच में क्या होता है, सनलाइट जब अर्थ तक पहुंचने वाला होता है, बीच में मान लो डस्ट है, क्लाउड्स है, तो उनकी वजह से कुछ तो रोक टोक हो जाएगा ना आने वाला सोलर रेडिएशन पर, दैट इज नोन एज डिफ्यूज्ड सोलार रेडिएशन। और लास्ट है बेटा पायरानोमीटर, टोटल इनकमिंग रेडिएशन, ध्यान रखना इस चीज को। टोटल मतलब जिसमें डायरेक्ट डिफ्यूज सब आ जाते हैं। और अब मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, हर बच्चे का मैसेज आया था, जो सवाल पिछली बार पूछ लिया गया मैं उसको टच नहीं कर रही,
जो सवाल पूछे जाने के चांसेस इस टॉपिक से मैं उनको जरूर डिस्कस करूंगी। साइक्लोन्स जिसको आप चक्रवात कहते हो, मैंने पूरा फॉर्मेशन समझा रखा है बेटा, तो फॉर्मेशन से ज्यादा मेरा ध्यान होगा उन पॉइंट्स को यहां पर जॉट डाउन करवाना जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन्स, ओडिशा में सुपर साइक्लोन आया था 1999 में, जरूर याद रखना, हो सकता है एक सवाल ऐसा देखने को मिल जाए। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन्स में जो हवा का मूवमेंट होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फेयर में ये कैसे मूव करते हैं बेटा, क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है ना। कैसे याद रखोगे, कंफ्यूजन हो सकता है, आप हर बात में बोलते हो ना 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 मुझे याद नहीं हुआ ना। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो मूवमेंट होता है विंड्स का, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट पॉइंट, एन एंटी साइक्लोन एग्जिस्ट बिटवीन एवरी टू साइक्लोन, हर दो साइक्लोन के बीच में एक एंटी साइक्लोनिक इवेंट देखने को मिलता है। बड़ा अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना कि कितने साइक्लोन्स के बीच में एक एंटी साइक्लोन होता है, दो, ठीक है ना। दो साइक्लोन्स के बीच में कितने एंटी साइक्लोन्स होते हैं, एक, ध्यान रखना। नेक्स्ट, साइक्लोन्स के उत्पन्न होने के लिए कौन कौन से कंडीशन जरूरी है। सबसे पहला कंडीशन, लार्ज वाटर बॉडी हो, जैसे ओशंस हो गए, समुद्र वगैरह, ठीक है ना, साइक्लोन बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बड़ी वाटर बॉडी का होना। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी शुड बी मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, ये मैं रेड्डी का डेटा कोट कर रही हूं, टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए ऐसे वाटर बॉडीज का, बड़ा होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी हाई। तीसरा पॉइंट, कोरियोलिस फोर्स, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज एग्रीकल्चर हम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारा ज्योग्राफी और फिजिक्स से लेना देना बहुत पहले छूट जाए रहता है, बट फिर भी मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा देती हूँ। कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ के रोटेशन की वजह से जेनरेट होता है, अर्थ का रोटेशन यानी अर्थ के घूमने की वजह से। सबसे पहला, लार्ज वाटर बॉडी, टेम्परेचर उस वाटर बॉडी का ज्यादा होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ये तीन कंडीशंस ऐसे कंडीशंस हैं बेटा जो साइक्लोन के बनने के लिए बेहद जरूरी होते हैं, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है इस बार सवाल देखने को मिल जाए। आगे, दो तरह के साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ज्यादा डैमेजिंग होते हैं, ध्यान रखना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन्स जिनको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फ्रंटल साइक्लोन्स भी कहते हैं। अगेन अ क्वेश्चन, टेम्परेट साइक्लोन को और क्या बोलते हैं, कौन सा साइक्लोन ज्यादा डैमेजिंग होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। साइक्लोन्स का नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग लिया जाता है, जैसे इंडियन ओशन में उठने वाले साइक्लोन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही कहलाते हैं, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही कहलाते हैं, साउथ चाइना सी में टाइफून्स कहा जाता है साइक्लोन को, कैरेबियन सी में हरिकेन्स, यूएसए में टोर्नाडोज, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने जॉट डाउन किया है, ये चीज जरूर पढ़ के जाइए, साथ ही साथ आप अपने लेवल पर जितना पढ़ रहे हो मैंने क्लास नोट्स में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखाए हैं वो जरूर पढ़ के जाना। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।